बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। बाहुबली 3 में भाईजान की एंट्री, क्या कहा बाहुबली 3 के प्रोड्यूसर ने? कब तक बन सकती है बाहुबली 3? एसएस राजा मौली के निर्देशन में बनी फिल्म RRR बॉक्स ऑफिस पर तांडव मचा रही है। फिल्म को दर्शकों को बेहिसाब प्यार मिल रहा है और यही वजह से फिल्म एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स रचती चल रही है। इसी बीच राजा मौली की फिल्म बाहुबली के सीक्वल को लेकर एक ताजा खबर सामने आई है। बाहुबली 2 के बाद अब बाहुबली 3 को लेकर आई इस खबर को सुनकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। RRR के प्रमोशन के दौरान एसएस राजा मौली ने बाहुबली 3 को लेकर हिंट दिया था और बाहुबली के प्रोड्यूसर्स प्रसाद देवी नैनी ने फिल्म को लेकर कुछ दिलचस्प बातें कही थी। प्रसाद ने कहा, उनका कहना का मतलब था कि बाहुबली वर्ल्ड में उतना स्कोप है कि एक और कहानी सुनाई जा सकती है। कहानी की दुनिया वही रहेगी और किरदार तो लार्जर देन लाइफ है ही, प्रसाद ने फिल्म को लेकर कहा। लेकिन हम अभी तुरंत इसे शुरू करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि अभी राजा मौली के पास कई सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। जाहिर तौर पर एक पॉइंट पर हम इसे बनाएंगे, लेकिन अगर चीजें ठीक रही तो। हालांकि अभी इसे लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा है, यानी प्रसाद के बयान के बाद कहा जा सकता है कि मेकर्स बाहुबली 3 को लेकर काफी सीरियस है और देर सवेर इस पर काम शुरू किया ही जाएगा। तो एसएस राजा मौली के बाद अब प्रसाद के बयान के बाद माना जा सकता है कि बाहुबली फैंस को निराशा होने की कोई जरूरत नहीं है। मेकर्स आज नहीं तो कल बाहुबली 3 पर काम शुरू कर देंगे। बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान ने भी राजा मौली के साथ एक फिल्म को लेकर हिंट दिया था, हालांकि उस बारे में भी अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बाहुबली 3 में भी हमें प्रभास की ही नजर आने वाले हैं। तो आपको बाहुबली 3 का कितना इंतजार है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे, सेफ रहे, बाय।